दोस्तों जिस प्रोडक्ट से मैं आपको आज रूबरू करा रहा हूँ उसमें बहुत अच्छा मुनाफा है। मसलन ये प्रोडक्ट आप जो यहाँ बनते हुए देख रहे हैं ये 75 रुपये में बनता है और जब ये फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है और मार्केट में सेल होता है तो इसकी MRP 399 है। आप सोचिए कहाँ एक 75 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और लगभग 400 रुपये 399 इसकी MRP। इस दौरान आप चाहें तो 90 रुपये में बेचिए, आप चाहें तो 150 रुपये में बेचिए, आप चाहें तो 300 रुपये में बेचिए। दोस्तों जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैं हूँ वहाँ पर इस तरह की जो मशीन है वो 5000 प्रोडक्ट इस तरह के एक दिन में रेडी करती है। तो आप अपने ब्रांड में या फिर जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका खुद का ब्रांड है उनके ब्रांड में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दोस्तों हमारे हाथ में इस तरह के जब प्रोडक्ट आते हैं तो हम उनको इस्तेमाल तो बड़े आसानी से कर लेते हैं, पर आज जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैं हूँ वहाँ पर उनकी रिसर्च लैब में किस तरह से इन प्रोडक्ट का फार्मूला रेडी होता है, किस तरह से पूरे इंग्रेडिएंट्स बनते हैं रॉ मटेरियल से और किस तरह से ये जो प्रोडक्ट बनने के बाद में इनकी बैच की क्वालिटी चेक होती है, QC होती है, ये सब इस तरह की लैब में यहाँ पर रेडी होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों बिजनेस कैसे करें मैं आपको तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको जिस बिज़नेस के बारे में बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, हर घर में इस्तेमाल होता है, हर व्यक्ति चाहे वो महिला हो पुरुष हो यहाँ तक कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही बूमिंग बिजनेस है दोस्तों। अगर आप ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन सा बिजनेस मॉडल आपके लिए फिट रहेगा? क्या आप ऑफलाइन बेचना चाहते हैं प्रोडक्ट को या ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं? आपके हिसाब से आपके लिए बेस्ट बिजनेस मॉडल के साथ मैं आपको प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग दिखाऊंगा, किस तरह के आपके प्रॉफिट्स रहेंगे उसके बारे में बताऊंगा, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना दोस्तों, एंड तक देखना। और अगर अच्छा लग रहा है तो अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मिलो दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफर। दोस्तों हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है, स्मार्ट दिखना चाहता है, प्रेजेंटेबल दिखना चाहता है, क्योंकि जब कोई खूबसूरत स्मार्ट और प्रेजेंटेबल होता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और जब आत्मविश्वास से भरपूर होता है कोई व्यक्ति तो सफलता में 4 चांद लग जाते हैं, यानी कि सफलता मिलना ज़्यादा सुनिश्चित हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। पर जब हम खूबसूरती की बात करते हैं, जब हम स्मार्टनेस की बात करते हैं, प्रेजेंटेबल होना चाहते हैं, तो ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बिना मैं समझता हूँ कि ये अधूरा रहता है। तो आजकल हर आदमी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर खर्च करता है और यहीं पर बिजनेस छुपा है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के, तो मैं समझता हूँ आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के ओखला में, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। बिकॉस कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर उगेन चौधरी जो कि बिकॉस कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बिजनेस कैसे करें में। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देश भर से मेरे जो दोस्त हैं उनको बिजनेस दे रहे हैं, उनको स्वावलंबी बना रहे हैं और लोगों में कॉन्फिडेंस भर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही आज जो है वो हमारे देश के लोगों को सफलता दिला सकता है और हमारे देश को आगे ले जा सकता है। तो कहने को तो छोटी बात है लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है जो आप कर रहे हैं हमारे देश के लोगों के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ बहुत ही स्पेसिफिक होके कि अगर मेरे दोस्त जो बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी उनको दे सकते हैं? ऐसा सर शैलेश जी, हमारे पास 2 तरीके का बिज़नेस मॉडल है। पहला B2B, जो दुकानदारों के पास हम लोग प्रोडक्ट को बेचते हैं, हमारा जो ब्रांड है द्रविड़ ऑर्गेनिक्स, उस प्रोडक्ट को आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़े आसानी से और अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेच सकते हैं जी। दूसरा बिजनेस मॉडल है B2C,
B2C ऑनलाइन करने के लिए, बिजनेस टू कंज्यूमर उसको आप ऑनलाइन सेल कीजिए। ऑनलाइन सेल में बहुत ही अच्छा मार्जिन है जी। आप अपने ब्रांड, आपका जो भी ब्रांड है उसमें हम आपके प्रोडक्ट को बना देंगे। आप चाहे तो ब्रांड, यदि आपके पास नहीं है तो हम लोग ब्रांड बनाने में भी आपका हेल्प करेंगे, आपके सेल्स ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, दो तरीके के मॉडल हैं। पहला मॉडल, सिर्फ 25,000 रुपये लगाओ और हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट को आप अपने शहर में ले जाके, आप अपने स्टेट में ले जाके बेचिए और उसमें अच्छा प्रॉफिट कमाइए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो मेरे दोस्त 20-25,000 की नौकरी के लिए शहर भागते हैं, बिल्कुल गांव और कस्बों से, वो अपना काम कर सकते हैं, अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सकते हैं, घर बैठ के, मतलब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के काम कर सकते हैं। पहला बिजनेस मॉडल आपने कहा, सिर्फ 25,000 रुपए से आपके ये B2B बिजनेस जो है वो शुरू होता है। और लेकिन वो हमारा ब्रांड, सिर्फ हमारा जो ब्रांड है द्रविड़ा ऑर्गेनिक्स, उसमें आपको किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारा ब्रांड वेल रेपुटेड है, हमारे ब्रांड में क्या कि आपको कोई ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई GST लेने की जरूरत नहीं है। हमारे ब्रांड, हमारे GST, हमारे सब कुछ पे आप अपने यहाँ पे बेच सकते हैं प्रोडक्ट को। सिर्फ 25,000 रुपए लगाइए और अपने शहर में रह के हमारे प्रोडक्ट को बेचिए। तो अगर इस बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं तो हर महीने कितना पैसा कमा सकते हैं? देखिए, 25,000 लगा के मिनिमम कम से कम 25,000 तो कमाई लोगे, मिनिमम कम से कम, और ज़्यादा भी कमा सकते हो। अब जितना प्रोडक्ट को रोटेट करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे मार्केट में, सब कुछ मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अब 25,000 का माल ले जाके घर में रख दोगे तो बिकेगा नहीं, आपको दुकानों पे जाना होगा और दुकानों पे जाके मेहनत करना होगा। यदि आप मेहनत करते हैं ईमानदारी से तो 25,000 लगा के 25,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं। आज के डेट में 10-15,000 का नौकरी भूल जाओ, 25,000 लगा के 25,000 रुपये हर महीने बड़े आराम से कमाओ। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे डबल का प्रॉफिट मार्जिन है? बिल्कुल डबल का प्रॉफिट मार्जिन है। तो यानी कि 25,000 लगा के वो 25,000 कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं, एक महीने में बेच सकते हैं, एक महीने में बेच सकते हैं। चाहो तो आप 10 दिन में बेच लो, चाहो आपके अंदर यदि सेल्स का टैलेंट है और पीछे से आपका थोड़ा बहुत भी सेल्स के बारे में अनुभव है तो आप तो 10 दिन में भी बेच सकते हो, पर एक महीना तो बहुत लंबा टाइम बता दिया मैंने तो आपको। अब जैसे जब वो B2B करेंगे तो उसमें डबल का मार्जिन नहीं होगा शायद, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो 10 दिन में अगर बेच लेंगे तो वो रोटेट कर लेंगे पैसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से वो 25,000 कमा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डबल का मार्जिन तो B2B में होता ही नहीं है, आपको भी पता है। B2B में आपको कम मार्जिन में काम करके और प्रोडक्ट को रोटेट करके 25,000 लगा के 25,000 आप कमा सकते हो। मतलब आपने 2 दिन में बेच लिया, 10 दिन में बेच लिया और उसके बाद उसी पैसे को 25,000 वापस जो है फिर से लगा दिया और इस तरह से आप रोटेट करते रहे। और आपको जब लगे कि नहीं अब हम बेचने में सक्षम हो गए तो आप 25,000 नहीं, 1,00,000 का एक बार माल उठा लो, 2,00,000, वो आपके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता। तो आपको लगता है मार्केट मिल जाएगा लोगों को बड़े आराम से? बिल्कुल आराम से मार्केट में। कॉस्मेटिक्स ही ऐसा बिजनेस है, कॉस्मेटिक्स ही ऐसा चीज है जो हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है आज के डेट में। एब्सोल्युटली, और सुंदरता पे लोग सबसे ज़्यादा आज के डेट में खर्च कर रहे हैं जी। हर आदमी, एक बूढ़े आदमी भी सोचता है मैं जवान बन जाऊँ। हमारे पास जो इस तरह के ये सीरम्स हैं, ये विटामिन सी सीरम है, बूढ़े लोग जिनके ये झुड़ियाँ लटक गए हैं वो लोग भी इनको यूज़ करके और अपने चेहरे को टाइटनिंग करके जवान दिखना चाहते हैं। तो ये समझिए कि मार्केट में कितना बड़ा स्कोप है। तो अगर हम पहले बिजनेस मॉडल की बात करें, दूसरे की हम बाद में बात करेंगे थोड़ी देर रुक के, तो पहले बिजनेस मॉडल में वो ये प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे जो 25,000 रुपए लगाएंगे अगर, तो कैसे करेंगे, दुकानों पे जाएंगे कैसे करेंगे? 25,000 लगा के देखिए दो तरीके के हैं। यदि आप जल्दी इनकम करना चाहते हो तो अपने साथ 3-4 लड़कियां रख लो जो कम कम पैसे में 5,000-7,000 में अपने छोटे शहरों में मिल जाते बड़े आराम से, उनको B2B दुकानों पर भेज के और बिकवाओ, आपका जल्दी रोटेट होगा और जल्दी पैसा। मतलब कॉस्मेटिक्स की शॉप्स है वहां पे वो ये प्रोडक्ट थैले में रख के अपना, बिल्कुल बिल्कुल, एक बैग में रख के ले गए और वो जाके कॉस्मेटिक शॉप्स, कॉस्मेटिक्स के पार्लर है, लेडीज पार्लर होते हैं कस्बों में तो बहुत होते हैं, सैलून्स हैं, है ना, आप सैलून्स में जाकर सप्लाई कीजिए अपने प्रोडक्ट, ब्यूटी पार्लर्स में जाकर सप्लाई कीजिए प्रोडक्ट, है ना, और वहाँ जल्दी रोटेट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, आप यदि चाहते हैं कि नहीं मैं अभी कोई स्टाफ नहीं रखना चाहता हूँ, मैं खुद मेहनत करना चाहता हूँ, तो खुद भी मेहनत करके 25,000 तो मिनिमम कमाई लोगे। मैं समझता हूँ जिले भर में आप वो कर सकते हैं, जिले से बाहर भी कर सकते हैं, आपका कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है ऐसा? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं भी जाकर कम अपना माल बेचो, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जाकर बेचो। पर फिजिकली बेचना है, ऑफलाइन बेचना है? ऑफलाइन बेचना है, दुकान पर जाना पड़ेगा आपको, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी पैसा आएगा।
और एक बार मार्केट जम गया, लोग अगर आपको पहचानने लगे तो मेरा ख्याल है कि शायद आपको रिपीट ऑर्डर्स अपने आप मिलेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके पास छोड़ के आएंगे, ऐसा ही होता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगर जो आप मान लीजिए सेल्स गर्ल्स भी रखते हैं तो वो भी आपका बिजनेस कार्ड जो है उन शॉप्स पे छोड़ के आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा करके अब एक तो ये हो गया बिजनेस मॉडल जिसमें आप कह रहे हैं कि 25,000 लगा के 25,000 कमा सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन आप इसमें कितने देते हैं आपके इस प्रोडक्ट में, जो आपके जो द्रविड़ा ऑर्गेनिक्स का ब्रांड है उसमें, क्योंकि आपकी कंपनी तो वीकॉस कॉस्मेटिक्स है क्योंकि वेल नोन कंपनी है, पर ये जो ब्रांड है आपका इसमें कितने प्रॉफिट मार्जिन होते हैं जनरली? देखिए जो आप B2B करोगे दुकानों पे, आप 20% मिनिमम मार्जिन लेके काम करोगे, मिनिमम कम से कम 20% तो लोगों के खर्चे भी हैं सब कुछ है, तो 20% मार्जिन हम लोग कहते हैं जो भी हमारे पास 25,000 रुपये लेके आते हैं कि आप 20% मार्जिन पे आप अपने पैसे को रोटेट करो जी, है ना, महीने में हफ्ते में एक बार भी रोटेट मार दिया आपने, 4-5 हफ्ते होते हैं महीने में, तो 4-5 बार लाख सवा लाख का बेच लोगे तो 20% देख लो आप, 25,000 रुपये तो बड़े आराम से कर ही सकते हो उसको जी। इसमें एक चीज़ और आपको बहुत ही अच्छी बात यह है कि मैं आपको सेल्स के लिए मोटिवेशनल जो भी होगा आपके प्रचार प्रसार से संबंधित, आपके क्षेत्र में यदि किसी तरह का कोई विज्ञापन देना है, यदि आप अच्छा वहाँ सेल कर रहे हो, आप कहते हो कि सर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं लेकिन हमें थोड़े से एडवर्टीजमेंट की वहाँ ज़रूरत है, तो उसमें भी हम हेल्प करेंगे आपको, क्योंकि ब्रांड तो हमारा डेवलप हो रहा है वहाँ पे, माल हमारे भी बिक रहे हैं ना, प्रॉफिट मार्जिन मैं भी कमा रहा हूँ ना आपके साथ, आपको रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं, मुझे रिपीट ऑर्डर चाहिए, मुझे रिपीट ऑर्डर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, आपको इंक्रीज करूँगा कि भाई आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेच सको वो बेचो। बिल्कुल, तो मेरे दोस्तों को आप एनकरेजमेंट देंगे, सेल सपोर्ट देंगे, एक तरह से सेल सपोर्ट देंगे। दूसरा क्या है कि यदि फिर भी आपसे नहीं बिकता है, मैं कहता हूँ 1% आपसे नहीं बिकता, आपको लगता है कि मेरा पैसा तो डूब गया, नहीं डूबेगा आपका पैसा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। कैसे गारंटी है कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है या फिर GST एक्सपेंस है इसको काट के आपका प्रोडक्ट मैं वापस ले लूँगा, लेकिन सिर्फ B2B मॉडल में। कितने दिनों में? 60-90 डेज। आप 60 दिन तक प्रयास करो, मैं तो कहूँगा 60 दिन तक प्रयास करो, फिर भी आपको नहीं बिकता है तो आप 60-90 दिनों के बीच में आप द्रविड़ा ऑर्गेनिक्स का प्रोडक्ट मुझे वापस दे सकते हो। एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर में ज़रूर बोल देता हूँ कि जो B2C करेंगे, जो ऑनलाइन वगैरह जो अपने ब्रांड में बनवाएंगे, उनके लिए रिटर्न का फैसिलिटी नहीं जो है। दूसरा मॉडल आप बताने वाले हैं उसके बारे में, वो रिटर्न फैसिलिटी नहीं है। डिस्क्लेमर पहले बता देता हूँ कि लोग ये ना समझे कि मैं उनका भी प्रोडक्ट वापस हो जाएगा, क्योंकि वो उनके ब्रांड का होगा। पर प्रोडक्ट जब वापस लेंगे, अगर मान लीजिए वर्ड्स के सिनारियों में कि जो अगर बहुत ही किसी पारिवारिक वजह से या किसी और वजह से वो नहीं बेच पाए, तब आप प्रोडक्ट वापस लेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि प्रोडक्ट वापस ले रहे हैं? देखिए प्रोडक्ट का फिजिकल कंडीशन सही होना चाहिए, बस फिजिकल, एक डैमेज नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। आप एक साल बाद लेके आओगे तो नहीं होगा, ओनली 60-90 डेज, 90 डेज क्रॉस हो जाएगा तो हम वापस नहीं लेंगे, आपके आपको 60-90 डेज में प्रोडक्ट को वापस देना। ये तो हो गया आपका, ये मतलब एक तरह से गारंटी है कि आपका पैसा मारा नहीं जाएगा, नहीं, आप पर GST और ट्रांसपोर्टेशन कट जाएगा क्योंकि वो तो कॉस्ट उनको बहन करनी पड़ेगी, बहन करनी पड़ेगी। अच्छा, तो एक तो ये हो गया, बहुत ही जबरदस्त है। मार्केटिंग टिप भी आप देंगे, सेल सपोर्ट देंगे? मार्केटिंग फुल सपोर्ट करेंगे हम उनको, तो जिन लोगों को नहीं भी आता है कि कैसे मार्केट करना है उनको भी आसान रहेगा, आप ये कहना चाहते हैं? तो अल्टीमेटली यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आप पैसा कमाएंगे, प्रोडक्ट इनके बिकेंगे, इनका ब्रांड प्रमोट होगा तो इनको रिपीट ऑर्डर्स आएंगे, ऐसा ओगन चौधरी साहब कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पे आप विचार करिए कि क्या ये मॉडल आपके लिए ठीक है। अगर आपको लगता है ये मॉडल ठीक नहीं है, आप शहर में रहते हैं या कोई और कस्बे में रहते हैं और आप पूरे देश भर में बेचना चाहते हैं, तो आप दूसरा मॉडल बताने वाले थे। हमारे पास है B2C। B2C किसके लिए? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप सिर्फ 1,00,000 रुपये लगा के, मिनिमम 1,00,000 रुपये लगाइए और अच्छा पैसा, अच्छा मार्जिन, कम से कम मिनिमम से मिनिमम 50% का तो मार्जिन है ही यहाँ, क्योंकि आप डायरेक्ट कंज्यूमर को, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच दो, मिनिमम कह रहा हूँ मैं, लोग 100% की भी मार्जिन। तो सिर्फ ऑनलाइन ही बेच सकते हैं या वो फिजिकली भी अपनी शॉप में रखी भी बेच सकते हैं? शॉप में भी रख के बेच सकते हैं, पर ये उनके ब्रांड में होगा, आपके ब्रांड में नहीं? ये उनके ब्रांड में होगा। आप ब्रांड, आपके ब्रांड बनवाने में कोई दिक्कत है, ट्रेडमार्क में कहीं कोई दिक्कत है, ट्रेडमार्क नहीं बन रहा हो तो हम लोग ट्रेडमार्क भी बनवा के दे देते हैं आपको। तो क्या टर्म्स कंडीशंस होंगी जनरली इसके लिए, जैसे आप कितने SKUs आपके? तो बहुत प्रोडक्ट्स हैं, बहुत प्रोडक्ट्स हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि 4-5 SKU, 1,00,000 रुपये में 4-5 SKU आपके लगभग बन जाएंगे। मतलब मिनिमम पीसेस कितने हो जाएंगे? एक के 500 पीस। 500 पीस, इसके 500 से कम नहीं होंगे अगर मैं ये ले रहा हूँ, और अगर मैं ये ले रहा हूँ तो इसके भी 500 होंगे। इस तरह से 2,000, इस तरह से आपको 2,000 पीस टोटल लेना है, वो लगभग 1,00,000 रुपये में बन जाएंगे लगभग।
5-7 हज़ार नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है जी। तो आप ले लीजिए और उसको बी टू सूट। हाँ, इसमें इसमें भी एक बहुत बड़ा मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग इसको लो और लेने के बाद आपके पास जीएसटी होना चाहिए, ट्रेडमार्क होना चाहिए और बैंक में अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट जिस नाम से आप काम शुरू करना चाहते हो। आप लोगों को लगता है कि हम अभी नया है, हमें कुछ नहीं पता, कैसे ऑनलाइन बेचेंगे, कैसे ऑनलाइन लिस्टिंग करेंगे, कैसे इसका इमेज बनवाएंगे, वो सब सारा हेल्प मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों पे आपका अकाउंट क्रिएट करके देंगे, आपको लिस्टिंग करवा के देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। वेरी नाइस, मतलब एक तरह से आप ऑनलाइन शॉप बस पूरे शॉप खोल के दे आपको शॉप खोल के दे देंगे, प्रोडक्ट दे देंगे कि बेचो, बस पैक करो और भेज दो, ऑर्डर आया पैक करो और भेज दो, बस इतना काम है, और पैसा लगाओ और जैसे ऑर्डर आया इसको पैकिंग करो बॉक्सेस के अंदर में और भेज दो, कोरियर वाला भी आपके घर आएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे बिजनेस करो, घर से कहीं हिलने की जरूरत नहीं, आप फोन पे ऑर्डर करो, माल आपके घर पे, ऑर्डर आएगा घर में ही, पैकिंग करो घर से भेज दो, घर से निकलने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस करने के लिए। तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं और उसको प्रमोट खुद से कर सकते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। बिल्कुल, आप उसके लिंक्स जो है अपने वेबसाइट पे, अपने फेसबुक, ट्विटर, बिल्कुल इंस्टाग्राम, अब तो थ्रेड भी शुरू हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल, उस सब पे आप पोस्ट कर दीजिए और वहां से लोग जो है आपके प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे और वहां से वो बिक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे तो ये प्लेटफॉर्म खुद भी प्रमोट करते हैं, खुद यदि आप खुद से करना चाहते हैं खुद से भी कर सकते हैं, यदि अमेजॉन फ्लिपकार्ट का नॉलेज है आपके पास पहले से ही तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट, नहीं है तो हमारे पास टीम है पूरा। तो इसका कोई चार्ज करेंगे? नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे वाह, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, कि आपको एक दुकान बना के, हम इसलिए दुकान बना के देने जा रहे हैं कि यदि आपका प्रोडक्ट ये बिकेगा तो मेरा भी तो बिकेगा, रिपीट ऑर्डर आएगा तो मेरा भी तो आएगा ना सर। बिल्कुल सही बात, मैं चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेचोगे तो मेरे अल्टीमेट फायदा तो मेरा भी होने वाला है। पर चूंकि ये उनके ब्रांड में है तो आप जो है रिटर्न पॉलिसी नहीं है। हाँ, रिटर्न पॉलिसी नहीं है। ओके, हाँ तो आप, लेकिन ये आप सुनिश्चित करते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी मेंटेन करते हैं। ऐसा यदि मेंटेन नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, हम रिपीट ऑर्डर कैसे लाएंगे सर। हम यही तो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लोगों को दें, और पिछले 4-5 सालों में हम लोगों ने काफ़ी दिया है लोगों को, और बहुत लोग ऑनलाइन में हमारे प्रोडक्ट को हमसे बनवा के थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवा के बेच रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ जिससे मेरे दोस्तों का भी कॉन्फिडेंस बढ़े, और मैं तो जानता हूँ बिकॉज कॉस्मेटिक बहुत रेपुटेड कंपनी है, बिल्कुल काफ़ी समय से आप काम कर रहे हैं, पर मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि आप कब से काम कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके, और कैसे आपने ये कंपनी शुरू करी, किस तरह से आपकी पूरी जर्नी के बारे में आप बता पाएं। देखिए, मैं शुरुआत से बता रहा हूँ आपको, मैं दिल्ली आया था 95 में, बिहार से आया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं दिल्ली आने के बाद मैंने सोचा कि भाई नौकरी कर लूँ कहीं, और बेरोज़गार था, ग्रेजुएट था, ग्रेजुएट करके और मेरे पास कोई स्किल्स नहीं थे, मैंने कुछ सीखा नहीं था, सिर्फ अकेडमिक एजुकेशन लेके आ गया था दिल्ली, और यहाँ पे नौकरी की तलाश में आया, और मुझे 2000 रुपये का नौकरी मिल रहा था। मैंने 2 दिन नौकरी भी की, लेकिन मैं तीसरे दिन मुझे सूट नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा करना है तो सिर्फ बिजनेस, बिजनेस से बढ़ के कुछ नहीं। मैंने दिमाग में किया कि भाई पैसा भी नहीं है, बिजनेस कैसे स्टार्ट हो, तो सिर्फ 500 रुपये लगा के, सिर्फ उस समय 95 में 500 रुपये लगा के हमने चाय का दुकान खोल लिया, यहीं दिल्ली के अंदर ही। अच्छा, कॉस्मेटिक्स की दुकान नहीं, चाय की दुकान खोल ली। अच्छा। और दिल्ली में ही जगतपुरी में पत्थर मार्केट है, वहाँ पर शिवशंकर धर्मकांटा हुआ करता था, जो लोग वहाँ के देख रहे होंगे शायद वीडियो में मुझे पहचान जाएंगे आज, कि मैं वहीं शिवशंकर धर्मकांटे के नीचे 2 साल तक लगातार चाय बेचता था, दिन में चाय बेचता था, रात को कंप्यूटर सीखता था, और ये लगातार लगभग मैंने 2 साल किया। तो कंप्यूटर क्यों सीखते थे जब कंप्यूटर मुझे स्किल्स मैं चाय पे नहीं, मैं ग्रेजुएट था, मैं चाहता था जिंदगी भर मैं चाय ना बेचूं, मैं भी कुछ बनूं। अच्छा, तो आप कंप्यूटर सीखते कंप्यूटर में चाय बेचते थे और रात को कंप्यूटर सीखता था, तो मुझे भी नहीं पता था। तो मैं कंप्यूटर सीखते सीखते मुझे जब 2 साल हो गए तो मुझे एक अच्छे कॉस्मेटिक्स की कंपनी में जॉब लग गया। तो आपने जॉब शुरू कर दी? मैंने जॉब शुरू कर दी, 7 साल जॉब किया हमने वहाँ पे, सारा कुछ सीख, मैं एज ए अकाउंटेंट गया था वहाँ पे, टैली सीखा था, DTP सीखा था, और MS ऑफिस वगैरह सीख के मैं वहाँ पे एज ए अकाउंटेंट लगा था। फिर कंपनी के सारे सेल्स, परचेज और जितने भी प्रोडक्शन सारा कुछ सीखने के बाद मैंने फिर सोचा कि भाई
बिजनेस ही सही है क्योंकि वहाँ पे भी कोई ज़्यादा छोटी कंपनी थी क्या कोई बहुत या बड़ा नहीं, बहुत बड़ा कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं नहीं सोचता हूँ कि दूसरे का नाम लेके और फिर लोग ये कहे कि भाई फ़ायदा उठा रहे, मैं उसका फ़ायदा नहीं लेने वाला हूँ, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेने वाला हूँ। देखिए वहाँ काम करके हमने एक चीज़ सीखा, दो चीज़ें सीखी, एक तो बिजनेस कैसे करें, जैसे आपका चैनल है बिजनेस कैसे करें, मैंने ये सीखा कि उनसे बिजनेस कैसे करें, तजुर्बा लिया, 7 सालों का जो तजुर्बा है वो तजुर्बा मुझे इतना बेनिफिट किया और वहाँ का जो काम का प्रोडक्शन का सारा नॉलेज होने के बाद मैंने सोचा कि नहीं अब समय आ गया है कि खुद का बिजनेस करें। तो आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की? तो हमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं शुरू की। अच्छा हाँ, तो बहुत बहुत इंटरेस्ट है, मैंने फिर ट्रेनिंग शुरू की पहले। अच्छा। मैं लेके वहाँ से फिर ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन प्रोडक्ट को ऑफलाइन कम बेचता था, ऑनलाइन ज़्यादा बेचता था। उसी कंपनी से प्रोडक्ट लेके बेचना? नहीं नहीं नहीं, और लोगों से थर्ड पार्टी करवा के और मैं अपना ब्रांड डेवलप करके और मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। करते करते काफ़ी जब अच्छा माल बिकने लगा और माल सबसे ज़्यादा जो मेरा बिकता था उसमें योगदान मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन मिशो तो अभी नया आया है, इससे पहले पेटीएम था जो बंद हो गया, पेटीएम मॉल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया था और प्रोडक्ट जो मेरा सेल हो रहा था मुझे सेल्स को देखते हुए उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया कि आपका माल इतना अच्छा बिक रहा है पैसे लो और मार्केट में और बेचो, और मैं बेचना शुरू कर दिया। भाई साहब बेचते बेचते इतना माल बिकने लगा कि मैं जिससे बनवाता था माल वो एक मतलब सप्लाई देना बंद कर दिया कि भाई मेरे बस का नहीं, हाथ खड़ा कर दिया कि इतना प्रोडक्शन मेरे बस का नहीं है। फिर मैंने सोचा कि नहीं अब नीड है मुझे खुद की मैन्युफैक्चरिंग लगाने की और आज आपके आप लोगों के दया से ये देख रहे हो कि हम कितना बड़ा प्लांट से मैं यहाँ 4.5 साल हो गया मुझे यहाँ बैठे हुए 2019 में मैं यहाँ पे आया था और 2019 से बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें मैं ऑनलाइन को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगा ऑनलाइन के दुनिया को और साथ में ऑनलाइन के लोगों को जो बढ़ावा दिए जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं या मेसो जो नया आए हैं अभी इन पे भी अच्छा माल बिकता है, अच्छे तरीके से यदि आप सेल करोगे तो बहुत ही अच्छा बहुत प्रोडक्ट बिकता है। मैं समझता हूँ दोस्तों कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमने छोटे से शुरुआत की, कभी शर्म नहीं करना चाहिए। नहीं हमें कोई चौधरी साहब मधुबनी के रहने वाला बहुत सारी बातें तो मुझे भी नहीं पता था कि चाय की दुकान भी इन्होंने खोली, हालांकि मैं पहले से जानता रहा हूँ गगन साहब को, पर आप कभी शर्म मत करिए कि कोई छोटा काम कर रहे हैं चाय की दुकान खोल के और अपनी स्किल्स डेवलप करके, क्योंकि दुनिया आपकी शायद कदर नहीं करती है लेकिन आपकी स्किल्स की कदर करती है, आपको जो अनुभव होता है आपको जो जो आपने सीखा होता है उसकी कदर करती है और हमेशा अपने स्किल्स पे डेवलप करने पे ध्यान देना चाहिए। तो मार्केटिंग की स्किल्स आपको बहुत काम आएंगे। बिल्कुल। तो अब अगर मेरे दोस्त ये बिजनेस करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि आपके प्रोडक्ट्स के बारे में और जाने, किस तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप एक तरह से थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या आप अपनी प्रोडक्ट्स के रूबरू करा सकते हैं, क्या आप अपनी फैक्ट्री दिखा सकते हैं मुझे? बिल्कुल दिखाएंगे। देखिए फैक्ट्री दिखाने से पहले एक चीज़ जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनके लिए भी बता दूँ, देखिए थर्ड पार्टी कराने के लिए आपको एक तो हमारे साथ ट्रेडमार्क लेके आना है, नहीं है ट्रेडमार्क तो हम लोग बनवा देंगे, GST आपको खुद ही बनवाना होगा, ठीक है GST बनवा के आ जाइए, ट्रेडमार्क बनवा के आ जाइए, ट्रेडमार्क नहीं बनता तो उसमें भी हम लोग हेल्प करेंगे। तीसरा आपसे एक हम लोग MOU करते हैं, उस MOU के बिहाफ पे क्या करते हैं हम लोग FDA से आपके प्रोडक्ट का अप्रूवल लेते हैं। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि भाई आपका FDA अप्रूवल लेके और फिर आपका प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट होते हैं, बाद बाकी आप प्रोडक्ट और ज़्यादा डिटेल ज़्यादा प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो आइए। चले जी आइए, दिखाते हैं हम आपको अपना बैच रूम। ये बैच रूम में हमारा ये पहला मशीन जिस शैम्पू बनाने का काम आता है, ठीक है ये शैम्पू मशीन है, और इसके अलावा धीरे धीरे आइए देखिए दूसरे मशीन, ये हेयर ऑयल वगैरह के लिए प्रोसेस में हम लोग काम करते हैं इसमें। इसके अलावा ये जेल देखिए, इसमें जैसे आपको देखिए इसमें एलोवेरा जेल बन रहा है, एलोवेरा जेल बनाते हैं हम लोग इससे, है ना। इस तरह दूसरे मशीन में हमारे पास पर डे एलोवेरा का बहुत ज़्यादा खपत है, एलोवेरा जेल नेचुरल एलोवेरा जेल हम लोग बनाते हैं, और देखिए दो दो मशीन हर समय एलोवेरा जेल चलता रहता है हमारे यहाँ प्रोडक्शन में। और भी बहुत सारे आइटम हैं जो हम लोग बनाते हैं और नेक्स्ट आपको ले चलते हैं, और भी हमारे फिलिंग रूम वगैरह है वो भी दिखाते हैं। आइए शैलेश जी हम आपको अपना फिलिंग रूम दिखाते हैं जहाँ एलोवेरा जेल की फिलिंग चल रही है। ये देखिए एलोवेरा जेल 200 ग्राम का हम लोग यहाँ पर फिलिंग कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ फिलिंग होते हैं। ये दूसरे मशीन पर ले चलते हैं, देखिए इस मशीन पर ये शैम्पू की फिलिंग चल रही है, और
इसी तरह तीसरे मशीन पर आइए, देखिए यहाँ पे भी 300 ग्राम एलोवेरा जेल की फिलिंग चल रही है। इस तरीके से आपको फिनिश गुड्स यदि आपको दिखाना है तो मैं फिनिश गुड्स भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए हमारे फिनिश गुड्स, इस तरह जो ये शैम्पू फिलिंग हो रही है, ये फिलिंग होने के बाद इस तरह का प्रोडक्ट बन के आपको आ जाता है। हाय स्टाइलिस्ट जी, मैं आपको अपना ये ट्यूब फिलिंग मशीन, जिसमें हम लोग पर डे 5,000 से 7,000 फिलिंग इस तरह के ट्यूब बना के देते हैं। ये हमारे ऑपरेटर हैं जो इस ट्यूब को फिलिंग करते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। ये द्रवड़ा ऑर्गेनिक्स का विटामिन सी फेस वॉश बन रहा है। इस टाइप के फेस वॉश, जेल, क्रीम, लोशन कुछ भी आप यदि ट्यूब में बनवाना चाहते हैं तो हमारे पास 5,000 से 7,000 पर डे का प्रोडक्शन का ये मशीन है। इस तरह से और भी कई मशीन है हमारे पास, जो जितना आप क्वांटिटी चाहो, क्वांटिटी का कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी क्वांटिटी बनवाओ, आपको एक दिन में हम प्रोडक्शन करके देंगे। इसका 5,000 से 7,000 एक दिन का प्रोडक्शन का क्वांटिटी। आइए सैलेश जी, हम आपको अपने लैब में ले चलते हैं। ये देखिए हमारे लैब में हमारे लैब टेक्नोलॉजी के लोग बैठे हुए हैं। ये लोग अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हम अपने क्लाइंट के लिए बेहतर जो भी अच्छे फॉर्मुलेशन हैं वो फॉर्मुलेशन को तैयार करते हैं, आपके नए नए प्रोडक्ट को R&D करते हैं इसी लैब के थ्रू, और जो भी प्रोडक्ट होता है उसका QC करने के बाद यहाँ एक बार हम लोग टेस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट को, और इस बैच को रखते हैं यहाँ पे कि ताकि आपका भी प्रोडक्ट मिले, वो अच्छे तरीके से अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, और इसी लैब के थ्रू हम लोग आपका प्रोडक्ट का QC करते हैं। चले जी, ये हमारा अकाउंट सेक्शन है, आप लोग जो ऑर्डर देते हो यहीं से हम लोग परफॉर्मेंस इनवॉइस बना के आप लोगों को भेजते हैं। ये हमारे अकाउंट्स के लोग हैं जो आपके लिए बिल वगैरह यहाँ से जनरेट करते हैं, यहाँ से माल डिस्पैच करते हैं, माल डिस्पैचिंग वगैरह सारा कुछ हमारा यहीं इसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट से होता है। आइए सैलेश जी, ये हमारे मार्केटिंग के लोग हैं, आप लोगों का जो भी क्वेरी होता है या जो लोग आप कॉल करते हैं कि हमें क्या ऑर्डर करना है, कैसे करना है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, उन सब के लिए हमारी मार्केटिंग टीम बैठी है, आपको प्रॉपर गाइडलाइन करेगी, प्रॉपर गाइड करेगी, प्रॉपर जवाब देगी कि भाई किस तरह से माल बनेगा, कैसे बनेगा, क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे, क्या रेट होगा, सारा आप लोगों के लिए बैठे हुआ है। आइए इसके बाद हम आपको अपने प्रोडक्ट से भी रूबरू कराते हैं। देखिए इस तरह के हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्टों के रेंज हैं। इस प्रोडक्टों में जैसे ये अनियन शैम्पू है, ये अनियन शैम्पू सर इसका 499 का, 399 का ऐसा MRP होता है, इसका 399 का MRP है और लगभग 115 रुपये में हम लोग ये बना देते हैं। इस तरह देखिए अनियन कंडीशनर है, ये भी हम लोग 115 रुपये में बना देते हैं। इसी तरह का ये देखिए ऑनियन हेयर ऑयल, ये 50 रुपये में बन जाता है, 100 ml का ऑनियन ऑयल सिर्फ 50 रुपये में बन जाता है। इस तरह ये देखिए ऑलिव ऑयल है, ये भी 299 का MRP है, 50 रुपये में लगभग बन जाता है। बॉडी लोशन है, ये 70 रुपये में बन जाता है 200 ml का। ये हर प्रोडक्ट में आप कम से कम 100-200% का इसमें मार्जिन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मार्जिन कितना रखना है। 80 रुपये 50 रुपये का प्रोडक्ट है, उसका 299 का MRP है, तो उसमें आपको मार्जिन कितना रखना है वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। और देखिए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये क्रीम है, ये अंडर आई क्रीम है, इस तरह ये देखिए छोटे एलोवेरा जेल 100 ग्राम के पैकिंग में है, 200 ग्राम के एलोवेरा, ये देखिए रोज़ एलोवेरा जेल है ना, ये एल ग्लूटाथन क्रीम है जिसका 499 MRP है और 80 रुपये सिर्फ, ये प्रोडक्ट 80 रुपये में बन जाता है। आप समझ सकते हो कितना मार्जिन है कॉस्मेटिक्स के अंदर। तो आप आइए, हमारे जो भी दोस्त इस प्रोडक्ट में इस फील्ड में आना चाहते हैं आइए और अपना सुनहरा भविष्य तय कीजिए। आइए सैलेश जी, हम आपको ये हमारा बैच कोडिंग का मशीन है जिसके थ्रू हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर MRP, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी ये सब प्रिंट करते हैं। इसी मशीन के थ्रू आपके जो भी प्रोडक्ट मोनो कार्टून्स होते हैं, आपके स्टिकर्स होते हैं इस टाइप के प्रोडक्ट के, तो इसका हम लोग इसके ऊपर MRP वगैरह प्रिंट कर देते हैं इस मशीन से। सैलेश जी देखिए, रेडी स्टॉक भी हम लोग अपने कस्टमर के लिए रखते हैं हमेशा, हमारे पास रेडी स्टॉक और रेडी इधर कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल आइटम जो भी है हम लोग रेडी रखते हैं और रेडी स्टॉक रखते हैं ताकि कस्टमर को कभी भी किसी प्रोडक्ट का कितना भी ऑर्डर दे दे कोई कमी होने वाला नहीं है। देख सकते हैं हमारा गोडाउन कितना बड़ा है। तो दोस्तों आपने देखा ओगन चौधरी साहब की वीकॉस कॉस्मेटिक्स ना सिर्फ उनके ब्रांड में आपको बिजनेस करने का मौका दे रही है,
बल्कि आप अपने ब्रांड में भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका GST नंबर हो, आपका एक करंट बैंक अकाउंट हो और आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो, क्योंकि किसी और के मिलते जुलते नाम या दूसरे के ट्रेडमार्क में आप कभी काम नहीं करिएगा। जो भी नियम कायदे हैं वो फॉलो करिएगा। जैसा उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग दिखाई तो मैं तो खुद दंग रह गया हूँ कि ये विटामिन सी फेस क्रीम है, 80 रुपीज़ की इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है जो आपको कस्टमर्स को पड़ती है, मतलब आप लोगों को पड़ेगी, लेकिन इसमें MRP में देख रहा हूँ 499, मतलब 80 रुपये से लेके आप 500 रुपये तक कोई भी प्राइस में इसको सेल कर सकते हैं। आप इसको 160 में सेल करेंगे तो आपको एक तरह से 100% मुनाफा मिलेगा, और अगर आप इसको 160 से ऊपर सेल करेंगे तो आप सोचिए कितना, तो इतना मार्जिन है 499 की MRP, और मैं समझता हूँ मार्केट में MRP भी लोग सेल करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मार्केटिंग कर पाते हैं, किस तरह से आप प्रोडक्ट को लीवरेज कर पाते हैं। हालांकि B2B में इतने मार्जिन नहीं है, 20% 25% ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी बल्क सेल होती है, तो वहाँ पर आप उस तरह से पैसा कमा सकते हैं। पर अब जो मेरे दोस्त ये बिज़नेस करना चाहते हैं उगन साहब, और वो आपसे और जानकारी लेना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस रहता है, थोड़ा डिटेल दें, कैसे वो आपकी फैक्ट्री वगैरह विजिट करेंगे, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा और बता दें। देखिए, बिकॉज कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेरा जो पूरा पता है नोट करना है, नोट कर लीजिए, नीचे स्क्रीन में भी सैलेश जी को बोलता हूँ कि एक बार डाल देंगे। बिकॉज कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, S67 ओखला फेज 2 न्यू दिल्ली 110020 है। मेरा एक फ़ोन नंबर है 9871340444। इस पर हमारे जो मार्केटिंग टीम है वो फुल सपोर्ट करेंगे आपको, आप उनसे लेके गूगल मैप वगैरह लेके आप आ सकते हैं, या फिर जो दूर के लोग हैं भाई व्हाट्सअप भी आजकल सारा कुछ होता है, व्हाट्सअप पे आप देख लीजिए, प्रोडक्ट आपको कैटलॉग भेज देंगे हम लोग, कैटलॉग में प्रोडक्ट पसंद कर लीजिए। आपको प्रोडक्ट का यदि आपको ये लगता है कि प्रोडक्ट कैसा होगा क्या होगा, तो आप हमसे एक सैंपल मंगवा लीजिए, सैंपल मंगवा के उसको पहले चेक कर लीजिए कि आप जो प्रोडक्ट बनवाने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है, कैसा क्वालिटी है, पहले खुद सेटिस्फाई हो जाइए। बिजनेस करने से पहले सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है जी। तो आप सैंपल मंगवाइए हमसे, सैंपल का हम लोग कोई कॉस्ट नहीं लेते, सिर्फ कोरियर चार्ज लेते हैं। आप कोरियर चार्ज सिर्फ पे कीजिए और मेरे से फ्री ऑफ सैंपल लीजिए, उसको चेक कीजिए, अच्छा लगे आप ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर करने का तरीका आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं हमारे फैक्ट्री में, डायरेक्ट आइए फैक्ट्री में, हमारे मार्केटिंग टीम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, विजिट करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, आप खुद देख पाते हैं चीज़ें कैसे काम करती हैं, एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़रूरी है, एक पर्सनल टच भी आपको मिलता है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप कोई बिज़नेस करें, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए बिज़नेस कर रहे हैं, तो मार्केट सर्वे ज़रूर कर लें, रिसर्च कर लें, आप जहाँ ये प्रोडक्ट बेचने वाले हैं वहाँ पे किस तरह का प्रोडक्ट, किस रेंज के प्राइस का प्रोडक्ट बिकेगा, किस तरह की क्वालिटी लोग चाहते हैं, किस तरह की रेंज चाहते हैं, अपने SKUs बहुत सोच समझ के आप तय करिए मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर को पहचानिए। आप अगर अपने कस्टमर बेस को पहचान गए तो उनके हिसाब से प्रोडक्ट अगर आप डिवाइस करते हैं तो मैं समझता हूँ आपको उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आप नए प्लेटफॉर्म्स जो हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको लीवरेज करिए और आगे बढ़िए, जीवन में बहुत सारी कामयाबी आपको मिले, ऐसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।